अस्सलाम वालेकुम, शुक्रे खुदा, शुक्रे मौला भी फातिमा जरा सलामुल्लाह अलैहा। अय्याम आज़ाए फातिमी सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में ये जो बस में जितने भी ज़ायरीन हैं माशाल्लाह, ये सब मुंबई से तशरीफ लाए थे हुसैन डिग्री जावरा में, और जनाब जरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासिबत पे वक्त के इमाम को पुरसा पेश किया और ये अपने घर के लिए अभी रवाना हुए है। ये ज़ाहिर है अल्लाह इन सब की ज़ियारतों को कबूल करे। हमारे साथ कुछ ज़ाहिर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद शाह भाई, मुंबई के मशहूर मारूफ शख्सियत जो जोगेश्वरी में रहते हैं और सामाजिक सेवा सोशल समाज सेवा के सोशल वर्कर है, उनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम। आप लोग कितने लोग मुंबई से अय्याम आज़ाए फातिमी में हुसैन डिग्री आए? हमारे खानदान में खाली 100 है। माशाल्लाह 100 लोग। आप लोग हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, मैं इस साल इन लोगों के साथ आया हूँ, और बाकी तो हमारे बॉम्बे के, हमारे गवंडी के सब सारे के सारे लोग आए हैं, और काफी मुंबई से क्या पूरे हिंदुस्तान से इस हुसैन डिग्री में जावरे में आए हैं। अच्छा मोहम्मद शाह भाई, जैसे बहुत से मोमिन हुसैन डिग्री अय्याम आज़ाए फातिमी में नहीं आ पाते, आप उनसे क्या गुजारिश करेंगे कि उनको भी आप बोले कि आप आए इंशाल्लाह अय्याम फातिमी में? कैसा आपको लगा यहाँ पे? दुआ तो हम लोग करते हैं, दुआ के साथ साथ हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे इस तरीके से जैसे और मोमिनीन जो आ रहे हैं, हम लोग कुछ लोग है ना मिल के है ना इसको ताउन करेंगे। उसमें हमारे रईस भाई हैं, समीर भाई हैं, और भी हमारे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग मिलके ताउन करके है ना बस और रेलवे दोनों बुक करने का इरादा है। अब बीबी जहरा कबूल करे इसी सिलसिले में, मतलब है ना डेली हर साल लोग आते हैं। अब अगले साल अगर जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर आएंगे। अल्लाह आपकी जो आपने जो कहा है उसको कबूल करे, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी अता करे। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत समीर साहब जो बीकेसी बहिंदा से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपकी? समीर मिर्जा, मैं बांद्रा बीकेसी भारत नगर से हूँ। अच्छा, समीर भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितने साल से जावरा हुसैन डिग्री अय्याम आज़ाए फातिमी में आ रहे हैं? तो आते हैं, अब ये मेरा ये सेकंड ईयर है, मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ जनाबे सैयदा को पुरसा देने, और उनके बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक लौती बेटी मासूमा बीबी की बारगाह में अपनी फरियाद और इल्तिजा लेके आता हूँ। जो भी है बीबी कबूल करे बस यही मेरा। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग तो हमारे फैमिली के लोग है सब, मेरी वाइफ है, मेरी लड़की भी है, और भी लोग है ताल्लुकात वाले, सब साथ में आए हुए हम लोग जी भाई। ये बड़ी तादाद में ये बस में जाहिर है जो यहाँ पे तशरीफ लाए, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त अंजुमन मशके फुरात जो गोंडी की अंजुमन है उसके रुए रवा जनाब रईस भाई, इनका भी माशाल्लाह हर, मैं आपको अंजुमन मशके फुरात के सिलसिले में बताना चाहूंगा। ये वो अंजुमन है, अंजुमन मशके फुरात गोंडी की, जो मुसलसल मुंबई की हर आज़ादारी में पहुंचने की कोशिश करती है, चाहे वो जुलूस हो, शब्बेदारी हो, या उसके अलावा महफिल हो, उनसे बात करेंगे। अस्सलामु रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कितने साल से आप यहाँ हुसैन डिग्री जावरा आ रहे हो? हुसैन डिग्री जावरा, जब मैं बहुत बचपने से आ रहा हूँ हुसैन डिग्री जावरा, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, थोड़े बहुत गेस्ट हाउस बने हुए थे, और बाकी आज जो कुछ भी है मेरे पास मौला का सत्ता बस हुसैन डिग्री से दर से मुझे मिला है। मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि वो अय्याम फातिमी बहुत अच्छा यहाँ का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आया करें और बीवी से तवस्सुल करें, इंशाल्लाह जो मुराद होगी वो सप्ते में बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के वो पूरी होगी। और हम लोग यहाँ आए हैं, काफ़ी लोग हैं तादाद में, कसीर तादाद में हम लोग, हमारे खानदान के काफ़ी लोग हैं, और अब हम लोग घर की तरफ रवाना है। और मैं सब लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुसैन टेकरी से रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम। इलाही अमीन, बहुत अच्छी बात कही। और अंजुमन मशके फुरात गोंडी की और एक रुए रवा जनाब रिजवान साहब है, उनसे भी इनके ख्यालात का जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और कितने साल से आ रहे हैं भाई आप? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कम से कम तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए आते हुए यहाँ पे,
लेकिन इस जुलूस ये जो प्रोग्राम है माशाल्लाह से, इस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए मुझे तकरीबन 12 साल हो गए जो कंटिन्यू आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वाला फसलो करम है। और अब की आना नहीं हो रहा था, मतलब किसी वजह से बच्चे के मेरे पेपर है तो मेरे पोस्टपोन था, लेकिन दिल में होप थी, अचानक ही मैं एकदम इरादा बनाया बस निकला, एक दिन के लिए आए थे बस, मौला का सबका है कि मौला ने बुला लिया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी 12 साल हो गए इस प्रोग्राम अटेंड करते हुए, और सबसे पहले मैं और ये जो मेरे पीछे भाई साहब बैठे हुए, पहली बार हम लोग 20 साल पहले हम दोनों साथ में अकेले आए थे, ये भाई और हम दोनों साथ में, और जब से अल्हम्दुलिल्लाह आज से कंटिन्यू आ रहे हम लोग माशाल्लाह, बस मौला बुलाते तो हमारे तो वरना हम लोग की क्या औकात है जो आ सकते हैं, उनका हुक्म है तो हम पहुंच रहे यहाँ तक के। और मैं अमर भाई का और माशाल्लाह ये जो इनका चैनल है मौला उसके लिए दुआ करूंगा, मौला और तरक्की दे माशाल्लाह। अमर भाई ने करबला में भी हम लोग को लाइव किया था प्रोग्राम माशाल्लाह से, अमर भाई को मौला हर चैनल में उनको तरक्की दे मौला, हर जगह पे उनको कामयाब करे मौला, हर जगह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया भाई मोहब्बतों का, और ये हमारे क्योंकि हैंडीकैप है लेकिन हौसला उनका हमेशा बुलंद रहता है, हर जगह वो पहुंचते हैं अपने जैसा भी हालात हो माशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करते हैं। करबला की भी ज़ियारत आपको नसीब भी है। खैर मौला सलामत है कि तमाम मोमिन मोमिनात को, इसी नारे के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जितने भी जाहिर है उनके लिए दुआ करता हूँ, जैसे कि ये लोग हुसैन टेकरी जावरा ज़ियारत के लिए आए थे, मौला से दुआ करता हूँ मौला इन सबको इसी तरीके से नजब से करबला जा रहे नसीब करे, भी फातिमा जा रहे सलाम के दुश्मनों और कातिलों पर, जन्नतुल बकी को मुनदीम बिस्मार करने वालों पर नारा हैदरी, जन्नतुल मोहल्ला और जन्नतुल बकी की जल जल खूबसूरत तामीर होने के लिए बाबा से बुलंद सलवार, नारे बहुत शुक्रिया मौला, आप सबको सलामत रखे, जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर दिल करे तो शेयर कीजिएगा। खैर मौला आप सबको भी आयाम अज़ाए फातिमे में या कभी भी जारा हुसैन डिग्री की ज़ियारत नसीब करे, और करबला मौला और दिगर आयम मासूमिन अलैहिस्सलाम के रोजे की भी ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह हम सबको उस वक्त का मौत न दे जब तक हम जन्नतुल बकी की खूबसूरत तामीर होते हुए ना देख ले। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या मेहदी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबको मौला की ज़मानत दीजिए, इल्तमास से दुआ, खुदा हाफिज़।